Welcome friends, chapter number 7, graphic presentation. Well, graphic presentation provides a quick and easier way of understanding data. It also helps in comparison of two or more situations. देखिए, जब भी कोई ग्राफ होता है, जो पिक्चर होती है, उसको आप आसानी से समझ सकते हैं, इंटरप्रिटेशन उसकी आसान हो जाती है. तो आइए एडवांटेज देखते हैं. सबसे पहले अट्रैक्टिव होता है. ग्राफ्स लुक अट्रैक्टिव देन टेबल सिंस, एक फ्रेज है ना, पिक्चर इज वर्थ अ थाउजेंड वर्ड्स. Simple and understandable. Well, graphs help to present data in a simple and understandable way. It saves time and energy of both the statistician as well as the observer. Useful in comparison. Well, graphs provide easy comparison of two or more phenomena. Universal. Graphs can be used in all areas like trade, commerce, economics, government, department, etc. No need for technical and mathematical knowledge. Well, there is not much technicality involved in understanding the graph, and they are very simple and easy to understand. आइए इसके टाइप्स पर चलते हैं. टाइप्स ऑफ ग्राफ्स. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ्स. वेल, हियर डेटा इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ एन आइटम और अ क्लास इंटरवल. द क्लास लिमिट और मिड वैल्यूज आर टेकन अलोंग द एक्स एक्सिस एंड फ्रीक्वेंसीज अलोंग द वाई एक्सिस. टाइम सीरीज ग्राफ. हियर द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल आर रिकॉर्डेड विद रिस्पेक्ट टू द टाइम ऑफ इट्स अकरेंस. तो बच्चों, मैं पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ्स की बात करूँगा. मोटे मोटे तौर पर 5 इसकी वेराइटीज़ हैं, तो हम हर वेराइटी को विद एग्जाम्पल सीखने की कोशिश करेंगे. पहली वेराइटी आपके सामने है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ की, दैट्स इज लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ. वेल, इट इज़ यूज टू शो डिस्क्रीट सीरीज वेयर वेरिएबल्स आर टेकन ऑन एक्स एक्सिस एंड फ्रीक्वेंसी ऑन वाई एक्सिस. आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं. हाइट जो कि यहाँ पे वेरिएबल है, वाई वेरिएबल क्योंकि ये परसेंट टू परसेंट वेरी करेगी. तो हाइट हमें इंचिस में दिया हुआ है, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66. और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए 6, 8, 10, 16, 24, 12 एंड 2. दीज आर फ्रीक्वेंसीज. तो हमें कहता है प्रिपेयर अ लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ. तो बेटा, फ्रीक्वेंसी ऑन वाई एक्सिस, वेरिएबल ऑन एक्स एक्सिस, हाइट इज वेरिएबल. तो 60, 61, 62, 63 एंड ऑनवर्ड्स. और ये जो आपका गैप था फ्रीक्वेंसी का, अब कुछ बच्चे देखेंगे यहाँ पे एक किंक है. तो ये किंक क्यों लिया जाता है, बता रहा हूँ. देखिए, आप ये तो मानेंगे ना कि ओरिजिन जीरो से स्टार्ट होता है. अब आपकी जो मिनिमम वैल्यू है वेरिएबल की, वो 60 है. तो दिस इज़ अ ह्यूज गैप बिटवीन दिस एंड दिस. सो इन ऑर्डर टू ओवरकम दैट प्रॉब्लम, वी ड्रॉ अ किंक. सो इन ऑर्डर टू रिड्यूस द डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्स एक्सिस, वी मेक किंक्ड लाइन. Second variety is called histogram. Well, it is a graph of frequency distribution in which class intervals are taken on x-axis and frequency on y-axis. आप देख सकते हैं continuous series या class interval के साथ बनाया जाता है. So marks, number of students, marks जो है, class interval जो है, वो हम x-axis पर लेंगे. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. आप देख सकते हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, 0 से 10, 5. 10 से 20, 25, 20 से 30, 10, 55, 45, 35, 30, 55, 45, 35 एंड 30. सो दिस इज़ हाउ यू कैन हैव अ हिस्टोग्राम. अब आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, एग्जाम्पल वन में जो क्लास इंटरवल थे वो यूनिफॉर्म थे, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 का गैप था. एग्जाम्पल टू आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म है. देखिए, 10 का गैप है, 10 का गैप है, फिर 20 का गैप है, फिर 30 का गैप है, फिर 10 का गैप है. तो अगर नॉन यूनिफॉर्म क्लास इंटरवल हो तो उसको कैसे, उसे कैसे निपटा जाए, उसको कैसे डील किया जाए, आइए वो देखते हैं. 0 से 10, 6, तो पहले तो वही क्लास इंटरवल लगा लिया, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. मेरे बच्चों, 0 से 10, 6, 6, 10 टू 20, 8, 8, नाउ 20 टू 40, 20 का गैप है, येस सर. शुरू में 10 का गैप था, येस सर. क्या ये ट्वाइस है, येस सर. तो बेटा, इसकी फ्रीक्वेंसी को आपको 2 से डिवाइड करना है. 32 डिवाइडेड बाई 2, 16. तो आप देखेंगे 20 से 40, 16 लिया है. अब ये 40 से 70, 30 का गैप है, येस सर. स्टार्टिंग में 10 का गैप था, येस सर. 3 टाइम्स है, येस सर. तो फिर ये जो फ्रीक्वेंसी है 36, इसको 3 से डिवाइड करना है. 36 डिवाइडेड बाय 3 शेल बी 12. तो 40 से 70 इज 12. 70 टू 84 है, तो मैंने उसको 4 ही दिखाया क्योंकि वो 10 है, तो उसको हमने छेड़ने की ज़रूरत नहीं है. तो हिस्टोग्राम में हमने देखा क्लास इंटरवल्स हम एक्स एक्सिस पर ले रहे हैं. अगर यूनिफॉर्म है तो ग्रेट, अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो फिर दिस इज हाउ यू नीड टू डू. अब वैरायटी आती है बेटा, हमें दोबारा से हिस्टोग्राम ही बनाना है, बट दिस टाइम हमें क्लास इंटरवल ना देके वो मिड पॉइंट दे रहा है.
तो बच्चों, मैंने अभी आपसे बताया कि क्लास इंटरवल के साथ ही हिस्टोग्राम बनाना है, तो अगर आपको मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं और देख लीजिए 10-10 का गैप है, 250 से 260, 70, 80, 90, 300, ये 10-10 का गैप है। तो अगर 10-10 का गैप है बच्चों और आपको पता है ये मिड पॉइंट्स हैं, तो डोंट यू थिंक इसका जो क्लास इंटरवल बना होगा वो ये बना होगा? सर ये कैसे बताता हूँ कैसे, डोंट यू पीपल थिंक 250 मस्ट बी द मिड पॉइंट ऑफ 245 से 255 सिंस 10 का गैप है? रैंडमली देख लेते हैं 290 किसका मिडिल होगा, किसका मिड पॉइंट होगा? सर 290, हाँ सर 285 और 295 का, क्या इसकी फ्रीक्वेंसी है? 20, देखिए 285, 295, 20। सो इन अ वे मैंने इसको क्लास इंटरवल में कन्वर्ट किया है, बाय डूइंग सो अब मेरे पास क्लास इंटरवल आ गया विच आई एम गोना यूज हियर। तो आप देख लीजिए प्रिसाइजली 245, 255, 65, 75, 85, 95, 305 और फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू पुट कर दी। किंक वेल किंक इज देयर बिकॉज ऑफ दैट रीजन, 0 से लेकर 245 इज अ ह्यूज गैप, ठीक है जी। चलिए एग्जाम्पल 4, अगेन हमें हिस्टोग्राम बनाना है, बट दिस टाइम आप देख सकते हैं इंक्लूसिव सीरीज है, सो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट कर दें। अगर आप अभी तक कन्फ्यूज हैं इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव सीरीज में, तो मैं दोहरा दूं, एक्सक्लूसिव सीरीज होता है जिसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट बन जाती है, रेपिटेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखिए 0 से 10, 10 से 20, ये अपर लिमिट, इसकी लोअर लिमिट हो गई। और इंक्लूसिव होता है जिसमें वो रेपिटेशन नहीं होती, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं और पीछे के चैप्टर्स में भी हम बात कर चुके हैं। सो हमें इंक्लूसिव सीरीज दिया, हमें हिस्टोग्राम बनाना है, मैंने आपको कहा कि आप इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर लीजिए। तो अब बच्चा कहता है सर कन्वर्ट कैसे कर लूँ, ये भी मैं पीछे के चैप्टर्स में बता चुका हूँ। अगर आपको इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है तो लोअर लिमिट से 0.5 कम कर दीजिए, अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर दीजिए। इसमें से 0.5 कम करूँगा 4.5, इसमें 0.5 ऐड करूँगा 9.5, एंड दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग। सो मैंने इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट किया, अगेन यहाँ पे वो लिख दिए क्लास इंटरवल्स और उनकी वैल्यूज़ पुट कर दी। सो हमने देखा यूनिफॉर्म गैप के साथ हिस्टोग्राम, नॉन यूनिफॉर्म के साथ हिस्टोग्राम, मिड पॉइंट दिया तो कैसे हिस्टोग्राम बने, और अगर इंक्लूसिव सीरीज दिया तो कैसे हिस्टोग्राम बनाया जाए। आगे बढ़ते हैं गाइस, हमारी थर्ड वैरायटी है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। वेल इट इज़ अनदर मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अ ग्राफ, इट इज़ एन ऑल्टरनेटिव टू हिस्टोग्राम एंड इज ऑल्सो डिराइव्ड फ्रॉम हिस्टोग्राम इटसेल्फ। तो ये मैंने डिस्क्रीट सीरीज का बनाया है, सिंपली मैंने बस वैल्यूज प्लॉट कर दिए, 1/10, 2/15, 3/20, 4/10, 5/5, 6/4, ये यहाँ तक चला गया, बीच में भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर यहाँ पर क्लास इंटरवल्स होते, सो इन केस ऑफ अ कॉन्टीन्यूस सीरीज देर आर टू वेज ऑफ मेकिंग फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, एक तो विदाउट हिस्टोग्राम लाइक दिस, यहाँ पे इंटरवल लिखे और यही वैल्यूज डाल दी, एक है विद हिस्टोग्राम। तो बच्चा कहता है सर विद हिस्टोग्राम मतलब कैसे, मैं बताता हूँ। सपोज मेरा बच्चा, हम एक ये वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, दिस वन, ठीक है। तो अगर इसमें मेरे को फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना हो तो ना वैसे मिड पॉइंट्स इसके ले लो, ठीक है, और इनको ऐसे ज्वाइन कर दो, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन हैव अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम, और मैंने आपको क्लास में तो करा ही दिया है। अब आते हैं फोर्थ वैरायटी, फ्रीक्वेंसी कर्व। वेल व्हेन द वर्टिसेस ऑफ अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आर जॉइंड बाय अ स्मूथ कर्व द रिजल्टिंग फिगर इज नोन एज फ्रीक्वेंसी कर्व। ट्रस्ट मी, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन फ्रीक्वेंसी कर्व में सिर्फ फर्क है कि ये थोड़ा किंकी होता है, स्ट्रेट स्केल से बना होता है, एजेस होते हैं इसमें, फ्रीक्वेंसी कर्व स्मूथ होता है, स्मूथ कर्व की तरह बनता है। तो आप देख सकते हैं क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम बनाया और देन ये स्मूथ कर्व के फॉर्म में बना दिया। सो दिस इज फ्रीक्वेंसी कर्व। नेक्स्ट है वेराइटी इज कॉल्ड ओजाइव और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। वेल द कर्व ऑब्टेन्ड बाय रिप्रेजेंटिंग अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अ ग्राफ इज नोन एज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और ओजाइव। फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मंथली इनकम ऑफ 60 पीपल इन अ कंपनी ड्रॉ अ लेस देन ओजाइव एंड अ मोर देन ओजाइव। सो हमें मंथली इनकम दिए 10, 20, 30,000 में है सपोज, और ये इनके नंबर ऑफ पीपल दिए हैं। अगर मुझे लेस देन बनाना हो तो लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60, लेस देन 70, लॉजिक समझना। लेस देन 20 कितने लोग कमा रहे हैं सर? 6। लेस देन 30, लेस देन 30 में 10 से 20 वाले भी आ जाएंगे, 20 से 30 वाले भी, यानी टोटल 15,
15, लेस देन 40, लेस देन 40 में 10 से 20 भी आ जाएगा, 20 से 30 भी आ जाएगा, 30 से 40 भी, 6 प्लस 9 15, 15 प्लस 10 25, लेस देन 50, लेस देन 50 में 10 से 20 भी लेस देन 50 है, 20 से 30 भी लेस देन 50 है, 30 से 40 भी लेस देन 50 है, 40 से 50 भी लेस देन 50 है, 6 और 9 15, 10 25 प्लस 15 40, लेस देन 60 में ये सारे आ जाएंगे, लेस देन 70 में ये सारे आ जाएंगे। इन अदर वर्ड्स आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लेनी है, 6 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 8, 6 प्लस 15 प्लस 25 प्लस 40, आई मीन 6 15 25 40 52 60 रहा, और इसको प्लॉट कर दिया। अगर आज मोर देन हो जाए बनाओ, तो मोर देन में अब आप उल्टा चलेंगे, पहला है मोर देन 10, तो मोर देन 10 तो सभी कमा रहे हैं, सारे के सारे 60, मोर देन 20 अगर इस गैप को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब मोर देन 20 कमा रहे हैं, तो 6 माइनस कर दीजिए 54, मोर देन 30 तो 60 में से ये दो कैटेगरीज है जो मोर देन 30 नहीं कमा रही, इनको माइनस कर दीजिए 15, 45 एंड सो ऑन। कुछ बच्चे ऐसे भी रट लेते हैं, लेस देन है तो नॉर्मल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लेते हैं और बना लेंगे मतलब रट लेते हैं, और मोर देन है तो उल्टा चला देंगे, 60 माइनस फर्स्ट माइनस सेकेंड माइनस थर्ड माइनस फोर्थ। सो मैंने मेरी कोशिश है आप समझ के करें, बाकी आपको वो आसान लगता है तो वैसे देख लें। एक और एग्जांपल दिया मैंने, ड्रॉ लेस देन हो जाए और मोर देन हो जाए का, मैं एक बारी इसको थोड़ा सा स्टैंड स्टिल कर देता हूँ, आप देख लीजिए एक बारी, लेस देन हो जाए मोर देन हो जाए, ध्यान से देख लीजिए उसको, फिर एक ही कर्व में भी प्लॉट कर सकते हैं, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में अलग अलग किया था, यहाँ पे हमने एक ही में समझ किया उसको। चलिए आई होप इट इज क्लियर। अब आते हैं जी आपके टाइम सीरीज ग्राफ्स पर। सो वन वेरिएबल ग्राफ, इफ ओनली वन वेरिएबल इज टू बी शोन देन टाइम इज मेजर्ड अलॉन्ग द एक्स एक्सिस वैल्यू ऑफ द वेरिएबल ऑन वाई एक्सिस, वेरियस टाइम पॉइंट्स ऑफ various time points are plotted against the corresponding values and are joined by a straight line. So 14, 6, 15, 10, 16, 12, 17, 16, 18, 12, 19, 20 and just join it. This is one variable graph. Now इसमें एक difference भी आ जाता है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर year 2013, 14, 15, 16 this और यहाँ 110 से शुरू हो रहा है, उसके बाद normal gaps है। So the data of number of students starts with the lowest value of 110 and touches a peak value of 140. We will use false baseline. The scale of the y-axis should begin from 0. However, if the gap between 0 and the smallest value of the variable is large, then this rule is strictly followed. Then curve would be very much pulled up away from the point of origin. Why do we use false baseline? Jab variations data mein kaafi hon, a large part of graph jo hai, wo waste na karna chahte hon, aur better visualization dena chahte hon. तो एक बात याद रखिए, जब x एक्सिस पे ये प्रॉब्लम आती है कि ओरिजिन और मिनिमम वैल्यू ऑफ x एक्सिस जो वेरिएबल जो भी आप ले रहे हो उस पर अगर उसमें बहुत फ़र्क है तो फिर आप किंक यूज़ करते हो, लेकिन अगर y में ही प्रॉब्लम आ जाए कि आपको ओरिजिन और y में जो भी आप आइटम ले रहे हो उसमें गैप बहुत ज़्यादा है, तो वी यूज़ दिस फॉल्स बेसलाइन। आप देख सकते हो, आप देखो ना ऊपर तो 10-10 के गैप में कवर हो रहा है, लेकिन अब 0 से 110 तो कोई वैल्यू भी नहीं है और स्टार्ट ही इतने ज़्यादा से हो रहा है। सो इन दैट केस वी विल बी यूजिंग अ फॉल्स बेस लाइन, जो कि उस डिस्टेंस को कवर करने में उस ओवरकम करने में उस प्रॉब्लम को हेल्प करेगी। सो ये था वन वेरिएबल, अब है टू और मोर देन टू वेरिएबल। Whenever two or more values are shown on the same graph, then it is preferred to use different types of lines, a dotted line, a broken line or a thick line. तो आप देख सकते हैं एक ही ईयर में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट दोनों हैं, तो इसकी वैल्यू को हम यहाँ पर शो कर देते हैं। सो वन वेरिएबल में ऑब्वियसली यू टेक वन, एंड मोर देन वन में टू भी हो सकता है, टू से ज़्यादा भी हो सकता है, दिस इज़ हाउ यू कैन शो इट। सो दिस वॉज ग्राफिकल प्रेजेंटेशन गाइज, आई होप आपको एक अच्छा क्विक रिव्यू मिल गया हो, क्लास में आप अच्छे से कर ही चुके हैं, और अगर अभी भी कोई डाउट रह जाता है तो क्लास में आप दोबारा पूछ सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए मेरे नोट्स आपके पास हैं ही, आप उसमें से काफ़ी सारी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स।